अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोजियाज किचन। आज हम बनाएंगे नान खटाई। और नान खटाई बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, अंडे की जर्दी एक, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 125 ग्राम रोस्टेड बादाम जिन्हें मैंने रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया है, 250 ग्राम देसी घी, 250 ग्राम पिसी हुई चीनी, 340 ग्राम मैदा। अब मैं इन्हें एक बर्तन में डालती हूँ। सबसे पहले हम घी को डालेंगे। उसके बाद पिसी हुई चीनी डाल देंगे। पिसी हुई चीनी डालने के बाद इसको इतने अच्छे से मेल्ट करना है, या बीट कर लें बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर से, ताकि ये पेस्ट सा बन जाए। और जो घी है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बिल्कुल पिघला हुआ नहीं हो। ये देखें जिस तरीके से मैंने डाला है। अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी, इसका अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बीटर से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा इसका। अब इसमें अंडे की जर्दी जाएगी, इसे भी अच्छे से बीट कर लूंगी। ये अच्छे से एक पेस्ट सा बन गया है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर छान कर डालिएगा और मैदा ये छान कर डालिएगा। इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो, कोई गुठली ना हो इसमें। छान कर डालेंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा और फूलेगा भी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये डो सी बन जाएगी। जब एक अच्छे से मिक्स हो जाए फिर मैं इसे हाथ की मदद से गूंदूंगी। ये देखें चम्मच से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब रोस्टेड बादाम ऐड कर दूंगी। बादाम आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते तो आप नहीं भी डालें। बादाम ऑप्शनल है। अब मैं हाथ की मदद से इसे अच्छे से गूंद लूंगी। ये एक जान हो जाएगा, एक पेड़ा सा बन जाएगा ये। इसमें किसी किस्म का कोई पानी, कोई दूध, कुछ भी नहीं जाएगा। ये देखें सारा जो मिक्सचर था एक साथ इकट्ठा होता जा रहा है। ये देखिए इसका एक पेड़ा सा बन गया है। इसी तरह इसको डो को बनाना है स्मूथ सा। ये देखें अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी और हाथ की मदद से इसे दबा के टिकिया सी बना लूँगी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेगा।
ये देखें एक स्मूथ सा पेड़ा बन गया, शाइनी सा, इस तरह से ही होना चाहिए इसका। अब एक छोटा सा पेड़ा उठाएंगे, जितनी बड़ी भी नान खताई आपको रखनी है, छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है, इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस करके गोल कर लेंगे, फिर इस तरह से इसे प्रेस कर देंगे। बाकी सारी नान खताई भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। मैंने सारी डो के पेड़े बना लिए हैं, आप लोग भी पेड़े बना लें तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। अब मैं दूसरी बेकिंग ट्रे लूँगी, इसमें मैंने नीचे कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी इन जो नान खताई है उसमें घी मौजूद है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। इस तरह से आप पेड़े बना लें, उसके बाद हल्का सा इसको ऐसे करें और ये इसे प्रेस कर दें। ये प्रेस हो गया, ये देखिए प्रेस हो गया। अगर आपने बिल्कुल सादी रखनी है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। मैं हल्का से इसे छुरी की बैक साइड से जो है एक प्लस का निशान बन जाएगा इसमें, आप सादा भी रख सकते हैं और इस तरीके से भी रख सकते हैं। अब मैं इन सारे पेड़ों को इस तरह से इस बेकिंग ट्रे में रखती जाऊंगी, साइज जो है आप अपनी मर्जी से ही बनाइएगा इसका। ये देखें सही है, इस तरह मैं सारी जो हैं वो टिकियां सी बना लेती हूँ। इसके साइज आप लोगों पे डिपेंड करते हैं, आपने छोटे रखने हैं या बड़े रखने हैं। मैंने तकरीबन हर साइज का पेड़ा कर दिया यहाँ पे, ये देख लें कुछ छोटे और कुछ बड़े, तो आप भी छोटे बड़े साइज कर सकते हैं इनके। अब मैं सारी टिक्कियाँ इस तरह से बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने डो की सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, अब मैंने एक अंडे की जर्दी ली है, उसे फेंट लिया है और ब्रश की मदद से इसको हल्का हल्का सा लगा दूंगी। जो ऊपर से गोल्डन कलर आएगा वो अंडे की जर्दी की वजह से आता है। ये सब जगह इस तरह से आपने सारी टिक्कियों पे लगा लेना है। इसी तरह से दूसरी भी नान खताई की जो डो है मैं उसकी टिक्कियाँ बना लूँगी सारी और ओवन में बेक करूँगी। मैं आपको जो है पतीले में भी बताऊँगी कि किस तरीके से बेकूँगी, लेकिन ये जो है ये वाली मैं आपको ओवन में बेक करके बताऊँगी। 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट कर लीजिएगा। जब ओवन प्रीहीट हो जाए तो फिर 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए इसे बेक कर लीजिएगा। बस यही टाइम है इसका, जब इस ये जो जर्दी ऊपर लगाई है वो खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने लग जाए तो ओवन को फिर बंद कर दीजिएगा, ज़्यादा इसको डार्क कलर मत दीजिएगा। ये देखिए सारा मैंने अच्छे से अंडे की जर्दी को ऊपर लगा दिया है। बाकी की जो नान खताई है मैं वो भी बना लेती हूँ और दूसरी बेकिंग ट्रे में रख लेती हूँ, और जब बेक हो जाएंगी तो मैं दिखाऊंगी। मेरे दरअसल दो किचन है, एक कुकिंग का किचन है और एक मेरा बेकिंग का किचन है, तो बेकिंग का किचन दूसरी साइड पर है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। ये है कि कुकिंग का किचन आप लोग ज़रूर देख लेते हैं, मैं आपको बेक करके फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसी लगेंगी। दूसरी ट्रे भी मैंने बना ली है, जो बाकी बच्चों में पेड़े थे उनकी भी मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, वो बिल्कुल सिंपल हैं, मैंने उन्हें बीच में कट नहीं लगाया। उनके साथ भी यही प्रोसेस होगा, अंडे की जर्दी लगेगी ऊपर, हल्की हल्की सी लगा दें अंडे की जर्दी। अगर आप लोग अंडे की जर्दी नहीं लगाना चाहते तो आप दूध भी लगा सकते हैं, नॉर्मल दूध लेके उसमें एक चम्मच जो है खुश्क दूध भी डाल दें, थोड़ा सा वो गाढ़ा सा हो जाएगा, और फिर उसे ब्रश की मदद से वो लगा दें ऊपर।
उससे भी कलर आ जाता है। जी दोनों ट्रेस तैयार हो चुकी हैं हमारी। अब मैं इन्हें बेक करने के लिए रखूंगी ओवन में 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए। और अगर जो है मैं इसे देगचे में बनाऊंगी तो देगचे में जो है बिल्कुल केक जैसे हम बेक करते हैं वैसे ही बेक किया जाएगा इसे भी, तो उसमें हमें 25 से 30 मिनट लग सकते हैं क्योंकि दरमियानी आँच ही होती है, तो 25 से 30 मिनट में वो बेक होगा सेम जैसे कि केक बेक होता है। अब मैं इन्हें ओवन में रखने लगी हूँ और जब ये बेक हो जाएंगी तो फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि क्या लुक बनी है इनकी। ये लें जी मेरा दूसरा किचन भी देख लें, ये मेरा ओवन है और मेरी नान खटाई जो है वो बेक हो चुकी है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। अब जो है मैं इसे निकाल के ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। नान खटाई ठंडी हो चुकी थी, अब मैंने इसे डिश में सर्व कर दिया है। ये देखो ये जिसमें मैंने कट का निशान लगाया था ये वो है और ये सिंपल गोल वाली, तो ये जो है क्या कहते हैं बहुत मज़े की बहुत खस्ता बनी है और टेस्ट में बहुत अच्छी है। ये आप इसे घर में बनाइएगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है ये और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है देसी घी की इसमें कि मत ही पूछें। ये देखें कितनी खस्ता है, ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, कोई हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। अब मैं इसे चख के भी बता देती हूँ आपको। वाकई में बहुत मज़े की हैं, आप एक दफ़ा बना के देखें आप कहेंगे दोबारा बनाएं। इसी जो प्रोसेस है और जो जो चीज़ें जितनी मकदार में डाली हैं आप उसी हिसाब से बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी और ऐसी ही बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मैं उसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। मैंने नान खटाई दो कलर की बनाई है, बैटर एक ही था, डो एक थी, लेकिन इसको मैंने 15 से 20 मिनट किया है और इसको मैंने 25 मिनट कर दिया। तो ये देखें इन दोनों के कलर्स में डिफरेंस देखें, एक थोड़ा सा गोल्डन सा उसमें आ रहा है और ये थोड़ा सा वाइट में आ रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं बेक। आप अगर कम मिनट रखने हैं तो 15 से 20 मिनट इसको रख लें और अगर आपको ज़्यादा थोड़ा खस्ता चाहिए तो आप उसको 25 मिनट तक भी रख सकते हैं, बेक कर सकते हैं। ये देख लें दोनों जो हैं आपके सामने हैं, बिल्कुल डो एक ही थी, टेस्ट एक है, बस थोड़े से ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और थोड़े कम, लेकिन बहुत मज़े के हैं। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएंगे आप लोगों को।